दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वेब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग भेल की एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और कितने स्टॉप लॉस लगाने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, अगर वीडियो लंबी लगे तो 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी एक प्राइस एक्शन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन उसके पहले मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ देख लें। एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बनाया है और इस बड़े कैंडल के बीच में एक दो तीन कैंडल, तो यहाँ पे हमें इस कैंडल से पता चल रहा है बाइंग मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जो सेलिंग मोमेंटम हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। जो कि ये बाइंग स्लोली होता है एंड सेलिंग तेज होता है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो बाइंग बहुत ही धीरे धीरे होता है, लेकिन जो सेलिंग का प्रेशर होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ है, लेकिन नो डाउट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। लेकिन दो कैंडल फिर से बनाता है और जो लास्ट टाइम का इसका रेजिस्टेंस है, ये 80 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और आगे फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 80 के पास इसके पास रेजिस्टेंस है, जिसे फिर से ये टच करके नीचे आ गया और इस बार तीन कैंडल की जगह सिर्फ दो ही कैंडल बनाया और एक कैंडल इनडिसिसिव बनाने के बाद यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं था। बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं कि सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं। अभी का जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है वो फिर से अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग को अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ से जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है इसको यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन की है, किया है इस शेयर ने। अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक तरह का एक्युमुलेशन चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये स्क्वीज हो रहा है। यहाँ से अगर ऊपर या नीचे किसी भी साइड ब्रेकआउट होता है तो आने वाले समय में ये प्राइस एक्शन बना के फिर से 80 के लेवल को टेस्ट कर सकता है ऊपर की ओर। अगर ये प्राइस एक्शन जो अभी स्टाब्लिश हो रहा है, अगर इसका नीचे ब्रेकआउट हो जा रहा है होता है तो ये फिर से ये यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा, इसको रिटेस्ट करके फिर से ये जो 50 का लेवल है इसको रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी जो फिलहाल पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है वो ऊपर की तरफ दिख रही है, क्योंकि आपको पता है अभी जो मार्केट में बहुत तेज रैली आई है, मार्केट जो ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये सारे शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें भी फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के पास जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन के पास ही ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड करके यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है तो हम लोग अपना पोजीशन इसमें बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डब्लू टाइप का पैटर्न की कंफर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे ये डब्लू टाइप पैटर्न का कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे इसका ब्रेक भी ब्रेक कर दिया है और ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में, एक सेकेंड, हम इसको डिलीट कर लें। आने वाले समय में अगर ये फिर से इसी लेवल को आके रिटेस्ट करता है, ठीक है, अगर ये फिर से आके इसी लेवल को रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे जाता है और इसे ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पोजीशन बनाने के लिए क्या चाहिए, ये लगभग लगभग नवंबर अक्टूबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर अक्टूबर दिसंबर एंड जनवरी चल रहा है, तो लगभग लगभग 3 महीने हो गए हैं इसको ये सेव बनाए हुए, ये फॉर्मेशन किए हुए। तो अगर 3 महीने पे यहाँ पे ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांग कैंडल के साथ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कैंडल बनाता है जो कि स्ट्रांग हो, ठीक है, स्ट्रांग कैंडल कहने का मतलब यहाँ पे जो वीक होगा ग्रीन कैंडल होना चाहिए और यहाँ पे जो वीक होगा छोटा हो या ना हो, ठीक है, यहाँ पे जो वीक है छोटा हो या ना हो, तो मतलब जिसका हाई और क्लोज एक पास हो, यहाँ पर अगर ऐसे कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जाके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में अगर यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे या फिर इसके नीचे लगा के इसका जब हाई ब्रेकआउट हो रहा होगा तब जाके यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर ये शेयर यहीं से ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 66, लेकिन अगर ये शेयर यहाँ से जाके यहाँ पे इस कैंडल की कुछ फॉर्मेशन कर रहा है तो हमारा टारगेट फर्स्ट हो जाएगा 61, फिर 66 एंड उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 74 के आसपास एंड फिर 80। इसके बाद हम लोग ऊपर के प्राइस सेक्शन भी ऊपर के भी टारगेट देख सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लगभग लगभग 20% क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे, फिर जब ऊपर जाके यहाँ के फिर से ये प्राइस एक्शन बनाएगा, मतलब यहाँ पे फिर से जाके ऊपर जाने के बाद ये हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जब बनाएगा यहाँ पे और ये लास्ट हाई को क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे फिर से 20% क्वांटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से ऐड कर करके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा उसको यहाँ पर ट्रेल कर देंगे। फिर जब ये फिर से जाके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा तो ये स्टॉप लॉस फिर यहाँ ट्रेल कर देंगे और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे।
इस तरीके से ऐड करके हम जब पोजीशन इसमें बनाएंगे तो हमारे लिए आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे और अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे होंगे, तो जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगा और हमारा जो भी रिस्क होगा काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए एंड आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपनी एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करना है इसमें कितना आप रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि यहाँ से जब भी ये एक ब्रेकआउट देगा तो थोड़े समय में ये आने वाले नेक्स्ट वीक में, इस वीक में कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें और इसमें पोजिशन बनाने के लिए ट्राई करिए, अपनी एनालिसिस करिए, फिर आप डिसाइड करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐसे ही शेयर्स की एनालिसिस। आप पीछे जाके बजाज फाइनेंस एंड और भी डिफरेंस शेयर्स के, बालाजी अमाइंस के शेयर ब्रेकआउट चेक कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, लगभग लगभग 1:5 का प्रॉफिट दिया है। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।